दिल्ली से लेकर मेरठ तक हर किसी को रैपिड रेल चलने का बेसब्री से इंतजार है। इसकी तैयारी का विहंगम दृश्य साहिबाबाद से दुहाई के बीच दिखने लगा है। 17 किलोमीटर वाले इस प्राथमिक खंड में ट्रैक सिग्नलिंग और OHE से रैपिड रेल कॉरिडोर को सजाया जा रहा है। मार्च 2023 में प्राथमिक खंड में रैपिड ट्रेन चलाने की तैयारी है। NCRTC के मुताबिक 82 किलोमीटर के रैपिड रेल कॉरिडोर के 41 किलोमीटर हिस्से में पिलर निर्माण पूरा कर लिया गया है। प्राथमिक खंड को मिलाकर करीब 25 किलोमीटर हिस्से में वायाडक्ट का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। पूरे कॉरिडोर में 2800 पिलर बनाए जाने हैं, जिसमें से 1700 पिलर बनकर तैयार हो गए हैं। कॉरिडोर का 70 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है, जिसके लिए पिलर बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जहां पिलर तैयार हो चुके हैं, उन पर लॉन्चिंग गेंट्री द्वारा वायाडक्ट का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब लॉन्चिंग गेंट्री लगाई जा चुकी है। प्राथमिक खंड में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो आदि स्टेशन हैं। स्टेशन और डिपो का निर्माण कुछ ही माह में पूरा कर लिया जाएगा। यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट शरदराबाद की मशहूर मारूफ यूसुफी लस्सी आपके दिलों को ठंडक और गर्मी में सुकून और राहत के लिए आज ही तशरीफ लाए। साल के 12 महीने दस्तियाब यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट न्यू मल्लेपल्ली नोबल टॉकीज क्रॉस रोड हैदराबाद।